हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल लेडीज एंड फ्लाई क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे कि आज आपका जो महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है RSMSSB का, आज 6 जनवरी, और आज जो आपके एग्ज़ाम हुआ उसका जो जनरल साइंस में कैसे कैसे क्वेश्चन पुट हुए हैं वो, उसके आंसर की और अपन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि पृथ्वी का अपनी कक्षा के प्रति घूर्णन होता है तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। नेक्स्ट है, वाहनों के टायरों की बाह्य सतह जो है आपकी जो नालीदार बनाई जाती है वो है घर्षण बढ़ाने हेतु, तो इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला संरक्षक है तो उसका आंसर है सोडियम बेंजोइट। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है तो वह है करक्यूमिन। आगे है आपका क्वेश्चन, शरीर में अम्लसार संतुलित करण बनता है तो वो है आपका यकृत द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती थी, वो है कोबाल्ट, डी इसका आंसर है। आगे है हमारा, नायलोन रेस से बने होते हैं तो वो पॉलिएस्टर बहुलक से बने होते हैं। आगे, नींद में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है तो वह गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, तो ये है भौतिक परिवर्तन। आगे है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया तो इसका जो आंसर है अभिक्रिया का वो है बी, कोबाल्ट अपचायक अभिकर्मक है। आगे जो अपना आंसर है, अपना पेपर वर्जन है, नीले रंग का खनिज लेपिस लूजी किस जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर या तो बी या डी में से एक होना चाहिए, अभी कन्फर्म नहीं है, इसका भी मैं आपको दूसरे सेशन में बता दूंगी। अभी अपन जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चन टप मतलब कि सोल्व कर रहे हैं वो उसके बारे में बता दें। जिंक कोबाल्ट होना चाहिए, प्रशियन ब्लू होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट अपना है, निम्न में से कौन सा नीला हरा सेवाल एकल कोशिका प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है तो वो है स्पाइरुलिना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है तो वो इसका जो आंसर है वो उसका वेंट्रिकल होना, वेंट्रिकल है, और इसका जो कि क्या जो मस्तिष्क का भाग नहीं है तो ये हृदय जो इसका किस में बनता है, ये हृदय में बनता है तो इसका आंसर होगा वेंट्रिकल। आगे, एंटीथ्रोबिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सुमेलित है तो वो विटामिन के। आगे, कुक का आरनेट काउंट का उपयोग लिम्फोसाइट की गणना के लिए किया जाता है तो इसका आंसर सी होगा। कौन सा विटामिन युग जल में घुलनशील नहीं है तो इसका आंसर भी आपका बी या सी में से एक होना चाहिए, ठीक है। आगे अपना जो क्वेश्चन है, पहली फसल किस जिसको जीनोम अनुकृत किया गया है वो है सी, मक्का। आगे, अनुवंशिक रूपांतरण गोल्डन राइस का आविष्कार, इसमें सब क्या आएगा, ए आयरन और विटामिन डी, तो मतलब सभी इसका आंसर है उपरोक्त सभी डी। हृदय में थेबेशियन वॉल्व पाया जाता है तो बाएं आलिंद में पाया जाता है, इसका बी आंसर होगा। उसमें गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता में उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न से सही विकल्प चुनिए तो इसका जो आंसर है आपका बी होगा, या आप मिलान कर सकते हैं इसका। आगे है, पादप संवर्धन की किस तकनीक में विषाणु से रहित पौधे प्राप्त किए जाते हैं तो वो है रोमिल मूल संवर्धन। तो ये आपका जनरल साइंस में जो क्वेश्चन पुटअप हुए थे मैंने उसके आंसर बता दिए आपको। तो ऐसे ही मैं आगे जो सारे सेशन है वो लेके आऊँगी, तो बने रहे एडिशन लाइव क्लास को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।